हेलो एवरीवन, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने कर लिया जो टॉपिक था इरेशनल नंबर का, जितना भी कॉन्सेप्ट थे बच्चे उसमें मैंने करवा दिए। जो एग्जाम में आने वाले हैं वो आप मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि वो 100% क्वेश्चन इस चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इरेशनल नंबर प्रूव करना आता ही आता है। ठीक है, आज मैं छोटा सा जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने ना डेसिमल एक्सपेंशन में फर्स्ट इसका चार्ट बनाया। डेसिमल एक्सपेंशन होती है जिसमें आप पॉइंट राइट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 6.59, ये मेरी क्या है डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन मेरे पास है तो उसको मैंने चार्ट में डिवाइड किया टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसमें नीचे जो, अगर मान लो आपका नंबर है P ओवर Q की फॉर्म में, और जो Q की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n। वो मैं सब में पता लग जाएगा कैसे होगी। 2 की पावर m मतलब m की वैल्यू कुछ होगी, 1 2 3 4 होगा, 2 जितनी बार आएगा, और उसके साथ 5 भी होगा। इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। याद रखना अगर Q की वैल्यू इस फॉर्म में, अगर टर्मिनेटिंग है, अगर इस फॉर्म में नहीं है, मान लो साथ में 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और जो टर्मिनेटिंग होती है वो क्या होते हैं हमेशा रैशनल नंबर होते हैं, रेशियो की फॉर्म में आती है रैशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, और 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में होती हैं। सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल भी हो सकती हैं और इरेशनल भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर तो नंबर रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब है कि मान लो रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि मेरा नंबर है जैसे ये है 0.111111 बार बार आ रहा है नंबर। ठीक है, मतलब कि वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो रिपीटिंग होते हैं दैट इज अ रैशनल नंबर। बट अगर वो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहे, मतलब उसका एंड हो रहा है, मान लो 0.25 है ये, जहां पर ये नंबर खत्म हो गया, तो उसको मैं कहता हूँ इरेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल नंबर होगा, रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.1 की बार। जो नंबर रिपीट होते हैं उसको बार की फॉर्म में लिखते हैं, उसके ऊपर बार डाल दो और आपका जो नंबर है वो रिपीटिंग शो हो जाएगा। बट नॉन रिपीटिंग है, बार में डालना मतलब कि 25 पे इसका एंड हो गया, दैट इज अ नॉन रिपीटिंग। फिर रिपीट कर देता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप की है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में चेक करोगे क्यों की वैल्यू है 2 की पावर m 5 की पावर n होनी चाहिए और वो रैशनल नंबर होगा। अगर वो रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें दो चांस है, अगर तो रिपीटिंग है तो रैशनल हो जाएगा, अगर नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल नंबर होगा इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, आप सिंपल बात याद रखना, टर्मिनेटिंग है तो 2 की पावर m 5 की पावर n होना चाहिए जो आपके सिलेबस में है, टर्मिनेटिंग है तो j आपकी वैल्यू होनी चाहिए, आप डायरेक्ट कह दोगे टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में मतलब कि अगर इस फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एग्जांपल पे चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल है मेरी 15 बाय 1600 है, ये आपका क्या है 15 बाय 1600 को आपने बताना है कि ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नीचे वाली चीज को मैं ओपन कर लेता हूँ। 15 बाय 1600 को मैं लिख सकता हूँ 16 बाय 100 लिख सकता हूं। इसको और ओपन कर लो, 15 over 4 multiply 4 multiply 10 multiply 10 भी लिख सकता हूं इनको मैं। ठीक है, मतलब कि इसके फैक्टर बनाने हैं, वो आपका काम है, वो मैं नहीं करवाऊंगा। मैं आपको सिंपल फॉर्म में, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो 1600 को इस फॉर्म में निकालकर राइट कर लेना, बट मैं थोड़ा सिंपल करवा रहा हूँ कि आपको जे टाइम ना लगे, डायरेक्ट आप राइट करो 15। देखो जहां पर 2 multiply 2 फिर 2 multiply 2 फिर 2 multiply 5 फिर 2 multiply 5, ये है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 1600 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये मैंने डायरेक्ट राइट कर दी है, आप अगर निकालना चाहते हो निकाल लेना। देखो इसकी इसमें 2 कितनी बार है, आपका है 1 2 3 4 5 6, जो आपका 2 है 6 बार है, तो 2 की पावर 6। क्लियर है 2 की पावर 6। उसके बाद 5 देखो कितनी बार है, 5 है 2 टाइम, तो आपका ये आंसर आया। तो आप कहोगे, इसका आंसर लिखोगे
1600 is in the form of 2 power m 5 power n, so it is terminating. ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. ये आपने याद रखना है कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जो अगर क्या की वैल्यू 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाती है, वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे. ठीक है जी, आप सिंपल, बहुत सिंपल है, इसको कर लेना. साथ में इसका ना डेसिमल एक्सपेंशन ही पूछ लेते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो. ठीक है, तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करोगे, डिवाइड करके निकालोगे. इसको मैं कवर हटा देता हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन भी साथ में कर लेते हैं. कई बार पूछ लेते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, तो आप क्या करोगे, 15 बीच में रखोगे, 1600 बाहर रखोगे. ठीक है जी, इस केस में देखो पहले जो छोटा डिजिट है 10 लगाई, यहां पर 10 पॉइंट लग गया, अभी भी छोटा है तो फिर मैं 10 लगा देता हूं. ठीक है, अभी भी छोटा है तो मैं एक और 0 लगा देता हूं. ठीक है, तो अब देखो अब ये कितने पे मल्टीप्लाई होगा, ये आपने चेक करना है और चेक करके यहां पर राइट कर देना है कि कितने पे मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो जे मे भी हम 9 पे चेक कर लेना, 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 144 और लास्ट में 20 9 पे गया, रिमेनिंग रहा आपका 600, उसके बाद फिर 6000 है. जी आप चेक कर लेना कितने पे डिवाइड होता है. ठीक है, तो जी आपका फिर देख लो कितने पे जाएगा, ये आपका जाएगा 3 पे. तो 3 पे अगर जाता है तो देख लो, तो 3 पे गया आपका 4800 आया, उसके बाद फिर आपका 00 आ गया, 1082, फिर यहां पर 54112, मतलब ये थोड़ी ना गड़बड़ हो गई हमारी. ये देख लेते हैं, हम 4 पे देख लेते हैं, 4 पे गया तो 1200 ही आएगा, 1200. फिर इसको कर दो, फिर 0 आ गई, तो उसके बाद फिर चेक कर लो कितने पे जाएगा, तो ये आपका फिर चला जाएगा, देखो 9, ये आपका जाएगा 7 पे. ठीक है, 7 पे इसको कर लो, 16 मल्टीप्लाई 7 1200, ये आपका गया 7 पे. ठीक है, 7 पे गया, उसके बाद आपका देख लो माइनस कर लो, आपका गया 6. ठीक है, और सॉरी 8 आएगा यहाँ पर. तो जी आप चेक कर लेना, देखो ये पॉइंट डेसिमल है, तो आप जितने वो पॉइंट कहेंगे वो आप चेक कर लेना कितने पॉइंट पे जाएगा. इसका मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन दिया कि कंटिन्यू चलता रहेगा. ठीक है, तो वहां पर आप चेक कर लेना ये क्या होगा. ठीक है, नेक्स्ट सम पे जाते हैं. नेक्स्ट सम में क्या हमें दिया है, 16 बाय 15 क्या है आपका, 16 बाय 15 को नीचे वाले को मैं क्या करूं, 2 और m की फॉर्म में लिखना है, ये होगा 3 मल्टीप्लाई 5. इस केस में आपको होगा यहां पर तो 3 आ गया, बट 2 तो आया नहीं, और 3 आ गया तो आपने कहा नॉन टर्मिनेटिंग, और नहीं, इस केस में 3 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो आपका आंसर आ रहा है 2/5. अगर 5 ओनली है तो इसके साथ मैं 2 लगा सकता हूं पावर 0 लगाकर, बन गया आपका फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर n फॉर्म बन गई. तो यहां पर आप क्या करोगे, लिखोगे कि 16/15 इज इन द फॉर्म ऑफ इन फॉर्म ऑफ इज इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m 2 की पावर n, सो 16/15 इज अ टर्मिनेटिंग, ये आपका टर्मिनेटिंग होगा.
ठीक है, ये डोमिनेटिंग है। नेक्स्ट भी आप ऐसे चेक कर लेना कि 29/343 इसका भी चेक कर ही लेते हैं। 29/343 आपको पता है किसका क्यूब होता है, ये 7 का। तो 7 का क्यूब है, इसमें ना तो 2 है ना 5 है, बट 7 आ गया। ठीक है, तो 29/343 इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, 5 की पावर n, सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, जो देख लेना इसके जितने भी सम है आपकी 1.4 एक्सरसाइज में देख लेना, आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर टू अदर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।